हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे थे आज या कल के अंदर, मैं उनके आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस विच हार्मोन। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन थे ACTH, प्रोगेस्टेरोन एंड गैस्ट्रिन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रोगेस्टेरोन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली जावन एंड कैस्पियन आर, ये तीनों तीनों क्या हैं? स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टिग्रिस या सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टिग्रिस? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टिग्रिस। फिर है मलेरियल पैरासाइट इज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलीजेनेटिक, डाइजेनेटिक या मोनोजेनेटिक होते क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका होस्ट ऑर्गेनिज्म सिंगल है, एक है, तो मोनोजेनेटिक। जिनके दो होस्ट ऑर्गेनिज्म दो हैं, डाइजेनेटिक, और दो से ज़्यादा हैं तो पॉलीजेनेटिक। तो मलेरिया का आपको पता ही है, एक तो मॉस्किटो होता है, एक ह्यूमन बींग, तो ये डाइजेनेटिक हुआ। एक के अंदर लार्वा बनेंगे, दूसरे के अंदर लार्वा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्कोटल सैक इज नोन एज। जब टेस्टिस स्कोटल सैक के अंदर डिसेंड नहीं करते हैं तो उस टर्म, उसका नाम क्या है, क्या टर्म है? तो होती है आपकी क्रिप्टोचैडिज्म। ठीक है, इसके अंदर जो आपके टेस्टिस हैं स्कोटल सैक के अंदर डिसेंड नहीं होते हैं, बाकी इसके राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड अराउंड। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है कि ए सेलर फॉर्म 3000 मिलियन ईयर्स एगो या 3 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिनेट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस इज सीन इन साइकन, जेलीफिश, ओवेलिया या एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइड। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ओवेलिया, उसके अंदर मेटाजेनेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, जीन ऑफ ADA, जीन ऑफ डिस्ट्रोफिन, जीन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो राइट आंसर है जीन ऑफ डिस्ट्रोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड टू। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, तो उसका काम क्या होता है? तो उसका वर्क होता है डिजोल्विंग ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है बीटा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज। हेट्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बताने हैं, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवेरिया, ऑल। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तीनों के तीनों हेट्रोक्राइन ग्लैंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क बाई क्लीविंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, किसको क्लीव करके वो अपना जो काटने का काम है, कट करने का काम वो करते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को कट करते हैं या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को, या दोनों कट करते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इसको ही कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक मूवमेंट आर लिंक्ड टू। फोटोट्रोपिक और जियोट्रोपिक मूवमेंट जो प्लांट है उसकी लिंक किससे, किस प्लांट हार्मोन से लिंक्ड है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन? तो ऑक्सिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ओजोन इज फाउंड इन। बैड ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, किस लेयर के अंदर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या आइनोस्फेयर? तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट लिम्बिक सिस्टम। हमारे ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन के अंदर ये पार्ट होता है, तो इसका वर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ओके, बिल्कुल सही। अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये दोनों इसके हिस्से होते हैं। रेगुलेट सेक्सुअल एंड इमोशनल बिहेवियर, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, तीनों तीनों लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस फॉर फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड इज। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी 6 कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, तो कितने ATP और NADPH बनेंगे? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18 and 12। ठीक है, 18 ATP बनेंगे और 12 NADPH2 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम अकर्स। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कमेंट करके आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेकंड ओवम के अंदर सेकंड डिवीजन कब होता है? जब स्पर्म ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तब ओवम सेकंड डिवीजन करता है। ओके, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ची इज राइपन बाय।
जो स्वीट सी होता है वो किसके द्वारा राइप किया जाता है, किस टाइप के बैक्टीरिया या के द्वारा किया जाता है? तो प्रोफियोनी बैक्टीरियम शेरमानी और पेनिसिलियम रोकीफर्ट और पेनिसिलियम कैमेम्बेरेट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोफियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थैलेमस, थैलेमस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, थैलेमस हमने ब्रेन वाला नहीं लिया है, हमने लिया कि इन केस ऑफ प्लांट थैलेमस से क्या होता है, बेस ऑफ ओवरी होता है या बेस ऑफ फ्लावर होता है? तो राइट आंसर होगा इसका कि बेस ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व इज ऑब्जर्व्ड अंडर। ठीक है, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व है यदि वो लेफ्ट साइड कर्व कर जाती है तो उससे हमें क्या समझना चाहिए? उसका मतलब ये होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हो गया है और पार्शियल प्रेशर CO2 कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी कम हो गई है। यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो जो pH है वो हाई हो जाएगा pH स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेकेंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस? पहला है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या सेकेंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, थर्ड इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स अकर, और लास्ट है कि बोथ टू एंड थ्री। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ टू एंड थ्री, क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है और इसके अंदर जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन उनके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय। ओके, तो आपको बताना था कि वहां पे किस टाइप का स्पिंक्चर पाया जाएगा, स्पिंक्चर ऑफ ओडी या स्पिंक्चर ऑफ बर्ड। तो स्पिंक्चर ऑफ ओडी वहां पे पाया जाएगा, डायरेक्ट एनसेट लाइन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन है, इतने ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आज या कल के अंदर पूछे थे, और फर्दर जितने भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब की एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के द्वारा दी जाएगी। और जो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर तो उसी टाइम भी दे देता हूँ मैं कमेंट के अंदर, लेकिन आगे से वीडियो बनाकर उनकी एक्सप्लेनेशन दिया करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।